नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 21 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लास्ट सेशन रहता है उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, तो देखेंगे कि कल 20 जून का जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किया था उसके बेसिस पे और कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो आज हम सभी को पता है इंटरनेशनल योगा डे है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपके लिए होमवर्क भी रहेगा बहुत कुछ, कि उसके बारे में आपको भी कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट हम देखते हैं कि वो सेशन लास्ट जो रहा था उसके बेसिस पर क्वेश्चंस कौन से हैं पहले। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दी हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक कौन है? राजेंद्र सिंह, राजेश रंजन, राजीव राय भटनागर, धर्मेंद्र कुमार या के शर्मा? देखिए, इसमें से एक राइट आंसर है, बाकी के फोर ऑप्शन अभी भी जितने भी पर्सन के यहाँ पर मैंने नाम रखे हैं, चाहे राजेश रंजन हो, चाहे राजीव राय भटनागर हो, कोई ना कोई CISF का, कोई BSF का, कोई CRPF का हेड है। वो आपको फाइंड आउट करना है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करना है कि राजेश रंजन किसको लीड कर रहे हैं, राजीव राय भटनागर किसको लीड कर रहे हैं, धर्मेंद्र कुमार और के शर्मा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी राजेंद्र कुमार इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च आई हरियाली एप्लीकेशन टू इंक्रीज स्टेट्स ग्रीन कवर? किस राज्य सरकार ने राज्य के हरित कवर को बढ़ाने के लिए एक आई हरियाली एप्लीकेशन लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? जैसा पौधारोपण की जो हम बात करते हैं, सैपलिंग्स की जो बात करते हैं, ट्री प्लांटेशन की जो बात करते हैं, उसी के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है आई हरियाली। और ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश है? तो गाइज आंसर जो आ रहा है वो पंजाब आ रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर इज दी पंजाब। पंजाब स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च आई हरियाली एप्लीकेशन टू इंक्रीज स्टेट्स ग्रीन कवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर? भारतीय, यूं कहें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसे हम NIC के रूप में भी जानते हैं, का मुख्यालय कहां है? कोलकाता, जयपुर, मुंबई, न्यू दिल्ली या गुरुग्राम? अरे अब गाइज मुझे आंसर बताइए, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC का मुख्यालय कहां है, जिसे हम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नाम से भी जानते हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि इंडिया जो अपना 5th डेटा सेंटर है वो भोपाल में ओपन करने जा रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग यहां पर NIC की भी बात हुई थी, कल हमने डिस्कस किया था, तो उसी का हेडक्वार्टर पूछा गया। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अपार्ट फ्रॉम बात करें तो NIC के कुछ स्टडी फैक्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। फॉर्मेशन ईयर इज 1976, हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली, वही हमारा क्वेश्चन बना था। एंड द डायरेक्टर जनरल इज दी नीता वर्मा। तीन बातें याद रखनी है आपको, फॉर्मेशन ईयर इज 1976, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, एंड डायरेक्टर जनरल की बात करें नीता वर्मा इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इन विच स्टेट इज चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? ये प्रपोज्ड है, ये बनने जा रहा है। चुटका परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात? अगर जितने भी मेरे भाई बंधुओं कल सेशन देखा होगा तो उन्हें डेफिनेटली पता होगा कि इन ऑप्शंस में से हमने कौन सा स्टेट कल डिस्कस किया था। क्या वह कर्नाटक था, क्या वह महाराष्ट्र था, क्या वो गुजरात था, तमिलनाडु था या मध्य प्रदेश था? तो एक चीज क्लियर हो जाएगी, कल हमने मध्य प्रदेश डिस्कस किया था, अगर तुक्का भी लगाना चाहें, बट फिर भी याद रखिएगा इट इज लोकेटेड इन दी मध्य प्रदेश। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन दी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड ब्रेल डे? कौन सा दिन विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बेसिकली ब्रेल इज अ लैंग्वेज, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि विश्व ब्रेल दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? 3 मई, 4 जनवरी, 1 मई, 22 मई या 21 जून? देखिए आंसर सिर्फ एक है इस ऑप्शन में, बट इसके अलावा बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो 3 मई हो, चाहे वो 4th, चाहे वो 1 मई हो, 22 मई हो, 21 जून हो, कि उन दिन कौन सा डे मनाया जाता है। पहले तो मैं यह आंसर डिक्लेयर करूंगा, 4 जनवरी इज ऑब्जर्व एज दी वर्ल्ड ब्रेली डे, या वह यूं कहें वर्ल्ड ब्रेली डे, ये सही रहेगा। वर्ल्ड ब्रेली डे इज ऑब्जर्व ऑन 4th जनवरी, वर्ल्ड ब्रेल दिवस को, इट्स अ वर्ल्ड, जो विश्व ब्रेल दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों और कैसे मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, चलिए वो बातें भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे। टेक्निकल टीम जरा स्क्रीन को जूम किया जाए। वर्ल्ड ब्रेल डे की बात करें, विश्व ब्रेल दिवस की बात करें, तो इस वर्ष 4 जनवरी को संपूर्ण विश्व में ब्रेल दिवस मनाया गया, वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया।
ये जो दिवस है समझिएगा क्यों मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि यह दिवस ब्रेल लिपि के आविष्कारक सर लुईस ब्रेल के जन्मदिन की स्मृति में बनाया जाता है। जो ब्रेल लिपि है, जो ब्रेल लिपि थी, या यूं कहें बिल्कुल है कि उसके आविष्कारक जो थे उनका नाम था सर लुईस ब्रेल, उन्हीं के जन्मदिन की स्मृति में 4 जनवरी को विश्व भर में, संपूर्ण विश्व में वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। ब्रेल एक कूट भाषा है जिसमें वर्ण जो वर्ड्स होते हैं और संपूर्ण अक्षरों की प्रस्तुति के लिए सतह पर उभारों इनग्रेव किया जाता है और अभिज्ञानों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली सरल शब्दों में याद रखना है कि जो सर लुईस ब्रेल थे उन्होंने ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे, उन्होंने डिस्कवर किया, इसीलिए कहते हैं कि जो 4 जनवरी है उनके जन्म दिवस को उनकी याद में मनाया जाता है विश्व ब्रेल डे के रूप में। आई होप गाइस क्लियर होगा सारा, ये मैंने आपको डिटेल में भी यहां पर बता दिया। चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं बाकी के ऑप्शंस के थ्रू आंसर। जो थर्ड में हमने ऑप्शन में रखा था उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 जनवरी जो राइट आंसर बना था वर्ल्ड ब्रेल डे। 1 मई की बात करेंगे गाइज इंटरनेशनल लेबर डे। 22 मई की बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। एंड 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो आज के ही दिन की बात करेंगे गाइज, आज ही है इंटरनेशनल योगा डे। मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि उत्तराखंड में ये इस बार सेलिब्रेट हो रहा है, बट अब आपके लिए होमवर्क रहेगा, आज जितनी भी न्यूज रहती है इंटरनेशनल योगा डे से रिलेटेड, मैं आज नहीं डिस्कस कर रहा इसे, मैं इसे कल डिस्कस करूंगा, इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज रहती है वो सारी की सारी आपको पढ़नी है, रिवाइज करनी है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद शाम तक अगर आप पढ़ते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा एग्जैक्टली क्या इसकी थीम है, कहां पर ये सेलिब्रेट हो रहा है, उस स्टेट के स्टैटिक फैक्ट, और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट इसी दिन कुछ अनाउंस करती है तो वो सारी बातें। बट फिर भी आते हैं अपने मुद्दे पे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात करें 3 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेल डे की बात करें 4 जनवरी को, इंटरनेशनल योगा डे 1 मई को, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 22 मई को, और इंटरनेशनल योगा डे की बात करें गाइस आज के ही दिन 21 जून को इसे मनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का स्टेट कौन सा है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे गोवा के बारे में। गोवा वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 30 मई 1987। 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई थी। इसकी जो कैपिटल है वह पणजी है और जो लार्जेस्ट सिटी है वो है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा इज द लार्जेस्ट सिटी, कैपिटल इज पणजी एंड एस्टेब्लिशमेंट ईयर इज 1987। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द गोवा। सो गाइस आंसर इज मनोहर परिकर। मनोहर परिकर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा एंड मृदुला सिन्हा इज द गवर्नर ऑफ द गोवा। तो 3 से 4 बातें यहां पर आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। व्हाट इज द कैपिटल पणजी, हु इज द चीफ मिनिस्टर मनोहर परिकर, हु इज द गवर्नर मृदुला सिन्हा, व्हाट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ अ गोवा। सो गाइस आंसर इज वास्को डिगामा एंड एस्टेब्लिशमेंट ईयर इज 1987। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें गोवा में 2 है, लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें वो भी 2 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करते तो वो 1 है। डिस्ट्रिक्ट्स 2, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो 1 है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा इज द कोंकणी। कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गोवा। एंड वह स्टेट या यूं बात करें कि जिन वह राज्य कौन से हैं जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, तो महाराष्ट्र है और कर्नाटका। अभी मैं आपको बॉर्डर इनके जो शेयर होते हैं वो मैप के थ्रू भी दिखा दूंगा, बट अभी फोकस करिए महाराष्ट्र और कर्नाटका, यह राज्य हैं जिनके साथ ही गोवा बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। समझना, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन में दे दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, सो गाइस आंसर इज द गोवा। बट मेरा क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन विच इज द इंडियाज स्मॉलेस्ट स्टेट, मतलब कि भारत का सबसे छोटा राज्य पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो कौन सा है। अगर हम गोवा की बात करें तो ये इन टर्म्स ऑफ एरिया भारत का सबसे छोटा राज्य है। चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं और सारी बातें। भगवान महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गोवा। इकलौता नेशनल पार्क है भगवान महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क, फेमस नेशनल पार्क, इट इज लोकेटेड इन गोवा। एंड बोंदला, कोटीगांव, नेत्रावली, सलीम अली और महादी, ये सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, सलीम अली नेशनल पार्क नहीं है। सलीम अली नेशनल पार्क की बात करेंगे तो वो जम्मू कश्मीर हम पहुंच जाएंगे। सलीम अली बर्ड सेंचुरी, महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोंदला, कोटीगांव, नेत्रावली, सलीम अली
और गाइज महादी, ये वर्ल्ड सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जितनी भी यहाँ पर लिखी है, ये सभी के सभी कहाँ पर लोकेटेड है, ऑल आर लोकेटेड इन दी गोवा। तो यहाँ पर आंसर भी आना स्टार्ट हो गया सिक्किम सिक्किम। तो गाइज आज हम सिक्किम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पर एक पर्सन है जिनको कि अभी सिक्किम गवर्नमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो डेफिनेटली सिक्किम के स्टैटिक फैक्ट भी इंपॉर्टेंट बनते हैं और जिस पर्सन को बनाया गया उनका नाम भी, तो दोनों ही बातें डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज से पहले जरा टेक्निकल टीम स्क्रीन को जूम करें, जरा लोकेशन देख लें गोवा की, वह राज्य कौन से हैं जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। गाइस आप देख सकते हैं महाराष्ट्र है और कर्नाटका है, दो राज्य हैं, यही हमने अभी देखा था कि महाराष्ट्र और कर्नाटका है जिन स्टेट्स के साथ गोवा बॉर्डर शेयर करता है। मैप के थ्रू भी क्लियर है और वर्बली भी हमने यहाँ पर क्लियर कर ही लिया। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज के सेशन की फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी है। इस न्यूज की मैं बात करता हूं तो जो यूनाइटेड नेशन है उसने जो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना रखे हैं उसी में से एक गोल की यहां पर हम बात करें, उसी के रिगार्डिंग यहां पर कि वाटर रिलेटेड इश्यूज को लेकर एक मीटिंग की जा रही है और उस मीटिंग का आयोजन हो रहा है ताजिकिस्तान में, तो उसी के बारे में हम डिस्कस यहां पर करने जा रहे हैं। क्या है एग्जैक्टली मीटिंग, तो टेक्निकल टीम जरा स्क्रीन को जूम किया जाए। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन, समझिएगा जरा इसका नाम थोड़ा बड़ा पेचीदा, इसके नाम में भाई बहुत दर्द झलक रहा है। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018-2028 वॉज हेल्ड इन ताजिकिस्तान। अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दशक और सतत विकास के लिए जल 2018-2028 विषय पर सम्मेलन ताजिकिस्तान में आयोजित हुआ। देख रहे हो ना कितना दर्द इसके नाम में ही झलक रहा है, मतलब इसका नाम ही याद करने में कॉन्फ्रेंस का ही हमें यहां पर दिक्कत आ जाए। तो गाइस फिर भी हमें याद रखना है, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018 और 2028 वॉज हेल्ड इन ताजिकिस्तान। क्या है और बातें, चलिए वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेस रिवर डेवलपमेंट गंगा रेजुविनेशन एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड शिपिंग, तो भाई के पास भाई मंत्रालय इतने हैं कि मैं बोलते बोलते भी थक जाऊंगा। तो ये अपने नितिन गडकरी हैं, इनके पास देखिए मंत्रालय, वाटर रिसोर्सेस रिवर डेवलपमेंट गंगा रेजुविनेशन एंड रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज एंड भाई शिपिंग, ये सारे मंत्रालय इनके पास हैं। इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है किसमें, इस कॉन्फ्रेंस में जो कि आयोजित कहां पर हुई है, ताजिकिस्तान में। कॉन्फ्रेंस का नाम है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018-2028। इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया गया नितिन गडकरी जी के द्वारा और इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रहा था ताजिकिस्तान में। जो ये यूनाइटेड नेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान या यूं कहें ताजिकिस्तान देश है, इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। आज लास्ट डे है, लास्ट डे है इसलिए मैंने इसे वर लिख दिया है, क्योंकि आज भी इसका आखिरी दिन, आज भी इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बट फिर भी हम ये पढ़ेंगे कि इट वॉज हेल्ड, ये हेल्ड हो चुकी है, क्योंकि कल तक तो ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल पास्ट ही बन चुका होगा। वर ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज बाई कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस की वाटर रिलेटेड इशू, समझना इसे मार्क करिएगा, की वाटर रिलेटेड इश्यूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज। जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी सदस्य देश हैं उन्होंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो अडॉप्ट किया है टारगेट, जो उनके बहुत सारे गोल्स है भाई इसमें, और उसमें इन्होंने कहा है कि जो वाटर रिलेटेड इश्यूज हैं उन पर बात करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो देखिए हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित महत्वपूर्ण जल विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए, ओनली फॉर विचार विमर्श, सिर्फ बातें करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र और ताजिकिस्तान गणराज्य की सरकार द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है इंडिया का वेन्यू ताजिकिस्तान, इंपॉर्टेंट है इस कॉन्फ्रेंस का वेन्यू, माफ करिएगा इंडिया नहीं ताजिकिस्तान, और दूसरी बात नितिन गडकरी जी का नाम, इनके मंत्रालय, और तीसरा भाई इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर महाराष्ट्र, ये लोकसभा चुनावों में जीते थे तो याद रखना नागपुर महाराष्ट्र इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दी नितिन गडकरी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन के स्टेट इफेक्ट हम देखेंगे। यूनाइटेड नेशन की गाइस बात करते हैं तो फाउंडेशन ईयर इसका 1945 है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, समझते चलिएगा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है यूनाइटेड नेशन की। आज एक और बात भी करेंगे, कहीं ना कहीं यूएसए से रिलेटेड है, यूएनएचआरसी से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें आज के सेशन की ऐसी कुछ न्यूज हैं जो बिल्कुल डिफरेंट ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन ईयर की बात करें यूनाइटेड नेशन की तो वो 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो गुटरस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ही इज अ नाइन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड ही इज फ्रॉम द पुर्तगाल, समझना बातों को।
फाउंडेशन ईयर 1945 एक तरफ रट्टा मार दिया। दूसरा पॉइंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। पॉइंट नंबर थ्री, हु इज अ डायरेक्टर, हु इज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो गाइस आंसर इज एंटोनियो गुटेरेस इज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। वह किस नंबर के सेक्रेटरी जनरल है, तो ही इज अ नाइन्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। वह किस कंट्री से है, तो ही इज फ्रॉम द पुर्तगाल, वह पुर्तगाल से। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं, अमीना जी मोहम्मद इज अ डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। शी इज अ फिफ्थ डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड शी इज फ्रॉम दी नाइजीरिया। यह नाइजीरिया से हैं, समझते चलेगा बंदा कौन है, बंदी कौन है, किस नंबर के हैं, किस कंट्री से हैं, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। टोटल मेंबर कंट्रीज की बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो 193 कंट्रीज आर दी मेंबर्स ऑफ दी यूनाइटेड नेशन। अब यहां पर तीन देशों की बात की गई है, एक ताजिकिस्तान है, दूसरा पुर्तगाल है और तीसरा नाइजीरिया है। अब खुद से रिकॉल करिए आपको कितने देशों की राजधानी और मुद्रा याद है। अब कोई तो कहेगा सर ये क्या मतलब है यहां पर कैपिटल करेंसी याद कराने का, बट भाई एक बात बताइए, अलग से याद करोगे भूल जाओगे। इसी के साथ पैरेलल बिल्कुल लर्न करिए, कनेक्ट करिए, चीजें याद रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल पुर्तगाल आपने बोला, एंटोनियो गुटेरेस बोला, नाइन सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन बोला, तो साथ के साथ कैपिटल करेंसी भी बोल दो, इतने में जा क्या रहा है। कैपिटल है भाई लिस्बन एंड करेंसी इज यूरो। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, लिस्बन, करेंसी इज यूरो। नाइजीरिया की बात करते हैं, कैपिटल अबूजा एंड करेंसी इज नायरा। नाइजीरिया अबूजा नायरा, पुर्तगाल लिस्बन यूरो। चलिए बॉक्स भी है यहां पर, ताजिकिस्तान की कैपिटल भी देखेंगे, दुशनबे इज अ कैपिटल, करेंसी इज सोमोनी, बट बॉक्स भी है, बॉक्स के थ्रू भी देख लेते हैं। पुर्तगाल की कैपिटल की बात करते हैं गाइस, लिस्बन इज अ कैपिटल एंड करेंसी इज यूरो। नाइजीरिया की कैपिटल इज अबूजा, करेंसी इज नायरा। मुद्दा यहां पर ही फंसता है, हम क्या करते हैं अलग से याद करते हैं, और भाई जब अलग से याद करते हैं तो अलग से चीजें याद नहीं रहती, चीजों को इंटरलिंक करिए। कहते हैं ना कि करंट अफेयर बोरिंग है, बट यार समझिए मेरी अप्रोच अपना के देखिए, जब चीजों को आप इंटरलिंक करते हुए चलेंगे ना, तो ऐसा लगेगा यार एक नहीं हमें 50 चीजें एक से याद हो गई। यूनाइटेड नेशन भी याद हो गए, कॉन्फ्रेंस भी याद हो गई, नितिन गडकरी भी याद हो गए, मिनिस्ट्री भी याद हो गई, उनका ये भी याद हो गया कि भाई नागपुर महाराष्ट्र से निर्वाचन क्षेत्र है, उसके अलावा तीन देशों की राजधानी और मुद्राएं भी याद हो गई कि भाई पुर्तगाल लिस्बन यूरो, नाइजीरिया अबूजा नायरा एंड ताजिकिस्तान दुशनबे सोमोनी। तो इस अप्रोच को अपनाए, डेफिनेटली यार एक हफ्ते बाद खुद ही आपको लगने लगेगा कि मुझ में इंप्रूवमेंट हो रही है, मुझ में से मतलब है आप में। बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, प्रकाश जावड़ेकर हैज लॉन्च नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की। देखिए गाइस जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि लाइब्रेरी या बुक्स से रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है कि चलिए कुछ ना कुछ इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, बेसिकली मैंने इस पर अपना अकाउंट भी बना लिया, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर वीडियोस के भी बहुत सारी चीज़ें लिंक दी गई हैं, बहुत कंटेंट भी है अवेलेबल है, तो एक तरीके की लाइब्रेरी है वो भी डिजिटल तौर पर। तो आप अपना अकाउंट बनाई है और इसके इसकी एप्लीकेशन भी, एप्लीकेशन के थ्रू भी इसे आप कह सकते हैं यूज़ कर सकते हैं, आप वेब के थ्रू भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात कहूँगा कि गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया है, एक लाइब्रेरी बनाई गई है और डिजिटल के तौर पर, डिजिटली एक लाइब्रेरी बनाई गई, उसका नाम है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। आप जाइएगा, अपना अकाउंट नंबर डालिए, अपना एक जीमेल आईडी है उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, इवन अपना आप एक जीमेल जो एड्रेस है उसके थ्रू आप वहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करके आप आराम से कर सकते हैं। और वहां पर कुछ नहीं, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, अपना नाम, अपना फोन नंबर, ये सारी बातें फिल करनी है, देन आप इजिली इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की है, उसका नाम है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और ये लॉन्च कहाँ की गई है, तो गाइज ये लॉन्च की गई है नई दिल्ली में। तो मैं तो कहना चाहूंगा जितने भी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के सभी जाइए, इस पर अपना अकाउंट बनाइए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इस न्यूज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो टेक्निकल टीम जरा भाई सुन ली ह्यूमन यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, समझना भाई, अभी नितिन गडकरी भाई की बात कर लिया, दूसरी यहां पर आ गए प्रकाश जावड़ेकर। इनके पास जो मंत्रालय, उस मंत्रालय का नाम है एचआरडी मिनिस्ट्री, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है ये, और भाई इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। इनके द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया गया, लॉन्च द न्यू डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ऑन द अकेजन ऑफ द नेशनल रीडिंग डे। भाई कल की बात करें तो इन्होंने नेशनल रीडिंग डे वाले दिवस के दिन इन्होंने नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में प्रकाश जावड़ेकर ने, जो कि यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भाई क्या लॉन्च किया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया।
ऑब्जेक्टिव ऑफ एनडीएल, एनडीएल मतलब यहां पर है एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इज टू मेक डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ कंट्री टू एम्पावर इंस्पायर इन इनकरेज लर्निंग। मतलब कि भाई सबसे बड़ी चीज की बात मैं करता हूं तो यहां पर एम्पावर इंस्पायर और इनकरेज करने के लिए लर्निंग के लिए यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया। देखिए यहीं से मैं एक चीज अभी कनेक्ट करना चाहूंगा कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है कि जो हम गेम वगैरह खेलते हैं, जितना भी वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं, उनको इन्होंने मेंटल डिसऑर्डर कह दिया, एक डिजीज का नाम दे दिया है। और गाइज डिजीज का नाम कहने का सबसे बड़ा रीजन है कि जितना भी आज का यूथ है, जो बच्चा है, जितना भी अगर इवन किसी भी पर्सन की मैं बात करूं तो वो मोबाइल में इतने ज्यादा घुस चुके हैं, इतने ज्यादा उसको एडॉप्ट कर लिया है कि वो अपनी जो डेली रूटीन की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा नहीं कर पाते, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो स्लीप की बात हो, चाहे वॉक की बात हो, गाइस इवन बहुत सारी चीजें वो स्किप करते हुए चल रहे हैं। तो आज के टाइम में अगर मैं यूथ की बात करता हूं तो जो छोटे से छोटे जो बच्चे हैं वो वीडियो गेम की तरफ जाते हैं, और मेरे भाई बंधु इस चीज को नकार नहीं सकते कि जितना भी यूथ होगा वो भाई व्हाट्सएप और ये फेसबुक और ये सारी चीजें इन्हीं में ही इर्द गिर्द इंस्टा वगैरह में इधर इधर उधर इर्द गिर्द घूमता रहता है। कहीं ना कहीं हमने अपनी लाइफ का पार्ट इसे कुछ ज्यादा ही बना लिया है। कोशिश करिए, लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो ये डिजीज का नाम आया कल तक ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है अगर आपने इसे अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि ये नशा है। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो भाई ये समझना है कि ये नशा है, इस नशे से थोड़ी इस लत से बाहर आइए। कितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कहना नहीं कि सर मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करूं, डजंट मैटर, बट देखिए हर किसी की पर्सनल लाइफ है। बट फिर भी थोड़ी सी बात, मैं दो मिनट आपका समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, कि जो अभी WHO ने अगर बात कही तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यार समझने वाली बात उन्होंने भी स्टडी करके कही होगी कि जितना भी हमारा बच्चा है, जितना भी यहाँ पर है, वो वीडियो गेम में इतने ज्यादा घुस चुके हैं कि उन्होंने उसको मेंटल डिसऑर्डर भी कह दिया कि ये क्या है, मानसिक एक तरीके से क्या है कि संतुलन जब हो जाता है, दिक्कत दे जाता है, तब इसे हम बोल दिया कि एक तरीके की बीमारी है। तो कोशिश करिए इन चीजों को अवॉइड करने की, डेली अपना एक तरीके से कह सकते हैं आज तो योगा डे, आज से स्टार्ट करिए, एक डेली रूटीन बनाइए, एक्सरसाइज करिए, एक टाइम टेबल सेट करिए। ये ना हो कि मॉर्निंग में उठते ही बस मोबाइल और इवनिंग में नहीं सोते भी मोबाइल, दोस्तों के साथ बैठे हैं तो मोबाइल, इवन वॉक कर रहे हैं तो मोबाइल, इवन किसी घर फैमिली के साथ बैठे हैं तो मोबाइल। इन चीजों को अवॉइड करिए। मेरे को लगता है कि शायद मेरी दो में से 100 अगर देख रहे हैं, यहाँ पर 3000 देख रहे हैं, 3200 देख रहे हैं, तो भाई कम से कम एक या दो तो मेरी सुनेगा, और एक दो ने सुन ली तो वही मेरे लिए कहता है, कहते हैं ना कि गंगा नहाना हो जाएगा। तो आइए वो पाते हैं जरा मुद्दे की बात पे दोबारा से, इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है इंडिया की, इट इज डेवलप्ड बाय द IIT खड़गपुर। भाई IIT खड़गपुर के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इट इज अ डिजिटल रिपोजिटरी एंड कंटेनिंग टेक्स्ट बुक भी है इसमें, आर्टिकल्स भी, देखो वीडियोज मैंने कहा तो वीडियोज भी हैं, ऑडियो बुक्स भी हैं, लेक्चर्स भी हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म में बहुत सारा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। एग्री सर यार बिल्कुल एग्री होना चाहिए। इवन आपके आसपास भी अगर कोई लोग हैं इन चीजों में इन्वॉल्व है तो उन्हें भी समझाइए, भाई अभी जिंदगी बहुत बाकी है, इसके अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है, तो समझिए चीजों को कि आजकल मार्केट में यूं कहें एग्जैक्टली हमारी लाइफ में किन चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। मुद्दे की बात है कि जो नेशनल हमारी जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई, प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। आते जरा समझते हैं एक बार हिंदी में, और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की। NDL मतलब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का लक्ष्य देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना है तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें सशक्त मतलब मजबूत, प्रेरित, इंस्पायर और प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा एक बात और कही कि भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, ये IIT खड़गपुर द्वारा विकसित की गई है। यह एक डिजिटल पुस्तकालय है जिसमें पाठक पुस्तक, निबंध, वीडियो, ऑडियो पुस्तकें, व्याख्यान, उपन्यास, अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्री शामिल है। तो एक तरीके से जो लाइब्रेरी हम स्कूल में जाते हैं अलग से पेड एक्सेस करते हैं, आपको पेड एक्सेस करने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर लॉन्च की जा चुकी है। प्रकाश जावड़ेकर जी की बात कर ले तो भाई राज्यसभा MP है वह महाराष्ट्र से, तो एक एडिशनल पॉइंट, प्रकाश जावड़ेकर HRD मिनिस्टर एंड ही इज अ राज्यसभा MP फ्रॉम दी महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। वेटरन डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेस विल बी कन्फर्ड विद दी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट दी रोम फिल्म फेस्ट। अनुभवी निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेसे को रोम फिल्म फेस्ट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वन लाइनर न्यूज है, इकोनॉमिक टाइम्स से ली गई है।
सम्मानित कब किया जाएगा डजेंट मैटर, बट इंपॉर्टेंट ये है कि किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रोम फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया जाएगा। और उनका नाम है डायरेक्टर, जो वेटरन डायरेक्टर है, अनुभवी निर्देशक है, मार्टिन स्कॉर्सेसे। वन लाइनर याद रखिएगा, अगर एग्जामिनेशन में आता है तो ये न्यूज स्किप नहीं करी है मैंने, ये आपको बता दी है, आप इसको भी टिक कराएंगे। बट ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ इनका नाम भाई, इनको ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा रोम फिल्म फेस्टिवल के दौरान। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कब होगा, कैसा होगा, क्या वेन्यू रहेगा, ये सारी बातें मटेरियल रहती है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। देखिए ये कल की द हिंदू की न्यूज है, कल मिस हो गई थी तो आज मैंने यहां पर ऐड किया। टेक्निकल टीम जरा स्क्रीन को जूम किया जाए। फॉर्मर यूएसए इंटरनेशनल वाल्टर बेहर, समझना जरा, फॉर्मर यूएसए इंटरनेशनल वाल्टर बेहर द लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द टीम विच फेमसली शॉक्ड इंग्लैंड एट द 1950 वर्ल्ड कप। 1950 वर्ल्ड कप में जो यूएसए है उसने इंग्लैंड को हराया था, तो उस टीम के जो पार्ट थे भाई उनका नाम है वाल्टर, मिस्टर वाल्टर, और इनका देहांत हो गया है। बेहर प्रोवाइडेड द असिस्ट फॉर द गोल विच हैंडेड द यूएसए टू 1-0 विक्ट्री ओवर द इंग्लिश इन बेलो हॉरिजोंटे। देखिए कहां कैसा हुई, डजंट मैटर। यूएसए ने भाई जो 1950 का जो विश्व कप रहा था, फीफा वर्ल्ड कप रहा था, उसमें इंग्लैंड को हराया था 1-0 से, वो गोल दागा गया था वाल्टर बेहर के द्वारा। तो इन्हीं की बात कह रहे हैं कि जो लीजेंड थे, फॉर्मर फुटबॉलर थे यूएसए के, उनका देहांत हो गया। एग्जामिनेशन में यह आ सकता है कि वाल्टर बेहर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज वॉट, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। अगर फील्ड आता है तो स्पोर्ट्स ट्रिक करना है, अगर पूछा था किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे तो वो याद रखना है हमें फुटबॉल से रिलेटेड थे। आई होप गाइस ये क्लियर होगा, सिर्फ एक लाइन में मिस्टर वाल्टर का नाम आपको याद रखना है, और कोई बात यहां पर याद नहीं रखनी। बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। एक और अपॉइंटमेंट रहा, एक अपॉइंटमेंट ये भी वन लाइनर है, ज्यादा डिटेल में नहीं है। जो यूएस बेस्ड कैब एग्रीगेटर है ओबेर, उसने कहा है कि जो प्रदीप परमेश्वरन है उनको प्रेसिडेंट ऑफ इट्स इंडिया और साउथ एशिया ऑपरेशन, मतलब जो मतलब इंडिया का हेड और जो साउथ एशिया ऑपरेशन है उनका हेड के रूप में जो बनाया गया है उनका नाम है प्रदीप परमेश्वरन। तो एक लाइन में प्रदीप परमेश्वर हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूबेर इंडिया एंड साउथ एशिया हेड। एक लाइन में याद रखना, प्रदीप परमेश्वरन हैज बीन अपॉइंटेड एज द ओबेर इंडिया एंड साउथ एशिया हेड। इसके अलावा ज्यादा डिटेल में इस न्यूज में हम यहां पर नहीं जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। रेनाउंड म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिक्किम गवर्नमेंट। प्रसिद्ध संगीतकार ए आर रहमान को सिक्किम सरकार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था इनके बारे में ही, और सिक्किम गवर्नमेंट ने भी पहले भी इन्हें अपॉइंट किया था टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। फाइनली सिक्किम गवर्नमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ही अब इन्हें नियुक्त कर दिया है। इंपॉर्टेंट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिक्किम गवर्नमेंट। सो गाइस आंसर इज द ए आर रहमान हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द सिक्किम गवर्नमेंट। और क्या बातें, चलिए वो देख लेते हैं। रेनाउंड म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द सिक्किम गवर्नमेंट। इतना बार पढ़ लिया तो रट गया होगा। रहमान विल प्रमोट एंड प्रोजेक्ट स्टेट्स अचीवमेंट नेशनली और ग्लोबली। जो स्टेट की, जो राज्य की भाई अचीवमेंट है उनको नेशनली और ग्लोबली प्रमोट करने के लिए यहां पर इन्हें अपॉइंट किया गया। देखो सीधी सी बात है कि स्टेट का भी कहना ये रहता है कि अगर किसी नामी ग्रामी बंदे से अपनी अचीवमेंट अगर गिनाई जाए तो उनकी वर्थ ज्यादा होगी। अगर किसी कॉमन मैन से अगर हम अपनी स्टेट की अचीवमेंट गिनाएंगे तो इतना लोग मानेंगे नहीं। तो अगर ये एआर रहमान ग्लोबली और नेशनली कहते हैं कि स्टेट ने ये किया तो माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि हाँ भाई डेफिनेटली किया होगा। अगर कोई कॉमन मैन अगर नॉर्मल बोल देता है कि भाई स्टेट ने किया तो कहेंगे अब चल भाई चल जाने दे, लेट इट भी जाने दो, कोई मतलब नहीं है, करा भी होगा नहीं करा होगा। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या है, बहुत सारी गवर्नमेंट होती है प्लानिंग करती हैं कि उन पर्सन को चूज किया जाए जिनके द्वारा हम अपने स्टेट के तरफ और लोगों का अट्रैक्शन आकर्षित कर पाए। ये तो पॉलिटिकल रहा, बट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए कि किसको अपॉइंट किया गया, तो उनका नाम है ए आर रहमान। सिक्किम विद इट्स नेचुरल एंड प्रिस्टाइन ब्यूटी हैज ओवर द लास्ट टू डिकेड इमर्ज एज द वर्ल्ड्स फेमस इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। मतलब कि अगर लास्ट टू डिकेड से बात करें, लास्ट 20 सालों से अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ल्ड की फेमस इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बना है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर तो ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट है, बिल्कुल ऑर्गेनिक, फुली फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट ऑफ द कंट्री। ये देश का पहला फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट भी है। तो दो बातें यहां से निकलकर एक और आ गई। स्टेट गवर्नमेंट ने हेड अर्लियर, देखो भाई जितने भी इंग्लिश तो सभी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां पर हेड आ गया, तो पास परफेक्ट की यहां पर बात कर रहे हैं, मतलब कि हेड अर्लियर, इससे पहले इन्हें क्या नियुक्त किया गया था। स्टेट गवर्नमेंट हेड अर्लियर दिस ईयर मेड मिस्टर रहमान इट्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टूरिज्म और बिजनेस। मतलब टूरिज्म और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मिस्टर रहमान, ए आर रहमान को अपॉइंट किया गया था सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा। अब फाइनली उन्हें सिक्किम गवर्नमेंट ने अपना क्या बना लिया, ब्रांड एम्बेसडर यहां पर बना लिया है।
अब जरा समझते हैं आगे और बातें यहां पर क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट बनती हैं सिक्किम के रिगार्डिंग। कैपिटल ऑफ सिक्किम इज दी गंगटोक, लार्जेस्ट सिटी ऑफ सिक्किम इज दी गंगटोक। समझना दोनों चीजें कॉमन है, कैपिटल है और जो लार्जेस्ट सिटी है वो कॉमन है और वो गंगटोक है। चीफ मिनिस्टर इज दी पवन चामलिंग एंड गवर्नर इज एस डी पाटिल। एस डी पाटिल इज द गवर्नर ऑफ दी सिक्किम। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें वो चार हैं, राज्यसभा सीटों की, लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो एक एक है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। लोकसभा सीट भी एक है सिक्किम में, राज्यसभा सीट भी एक है, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें वो चार हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिक्किम इज दी इंग्लिश, और वह स्टेट जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है वो वेस्ट बंगाल है, जिस देश के साथ करा भूटान है और नेपाल है। आगे बढ़ते हैं समझते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। यही मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर मैं बात करता हूं तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, बट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर मैं बात करता हूं सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है। समझना सिक्किम इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द एरिया। सो सिक्किम इज द सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो मतलब कि एक तरीके से कि पॉपुलेशन के मामले में तो भाई सिक्किम सबसे छोटा है, बट एरिया के बारे में बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है। इससे छोटा भी कौन सा है, इससे छोटा भी चुनिया सा भाई अपना गोवा है। चलिए बढ़ते हैं समझते हैं और क्या बातें हैं। सबसे अगर हाईएस्ट लेक की बात करते हैं तो चोलामू लेक का नाम निकल कर आता है। चोलामू लेक इज द हाईएस्ट लेक, जिसे हम चहो लहामो लेक भी कहते हैं या तसो लहामो लेक के नाम से भी जानते हैं। तो तीनों ही नाम याद रखने हैं, तसो लहामो लेक, चहो लहामो लेक या चोलामऊ लेक, तीनों ही लेक एक ही है और तीन इसके नाम है, ठीक है। और याद रखना है ये कहां पर है, ये गाइस सिक्किम में लोकेटेड है और इट इज द हाईएस्ट लेक, ये कीवर्ड है इट इज द हाईएस्ट लेक। बढ़ते जरा समझते हैं कुछ और बातें। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन सिक्किम। क्योंग नौसला अल्पाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंग नौसला अल्पाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन सिक्किम। शिंगबा, शिंगबा रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड सिक्किम। एंड बारसे रोडोडेंड्रॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड, सिक्किम में। अब इतना टिपिकल नेम याद नहीं रख रहे, सिर्फ कीवर्ड। कंचनजंगा तो रट्टा पड़ा होगा सभी को, सबको याद है कंचनजंगा नेशनल पार्क मतलब सिक्किम। अब इसके अलावा क्योंग नौसला अल्पाइन, सिंगबा और बारसे, क्योंग नौसला अल्पाइन, सिंगबा और बारसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल आर लोकेटेड इन दी सिक्किम। तो तीनों के स्टार्टिंग की कीवर्ड उठा लीजिए, बारसे, सिंगबा और क्योंग नौसला, यूं पढ़िए क्योंग नौसला, सिंगबा और बारसे, ये तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ये कहां पर है, सिक्किम राज्य में लोकेटेड है। बढ़ते हैं जरा देखते हैं यहां पर लोकेशन मैप के थ्रू, जिससे इजीली हमारे क्लियर हो जाए। टेक्निकल टीम जरा स्क्रीन को जूम किया जाए। गाइस आप सिक्किम की लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, किन किन राज्यों के साथ इसका बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ये वेस्ट बंगाल है जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, और आप देखते हैं नेपाल है और भूटान है, जिन देशों के साथ, जिन देशों के बीच में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर क्लियर होगा कि भूटान है और नेपाल कौन सी कंट्री है जिनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और वेस्ट बंगाल है उसके साथ यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है। तो ये ओवरऑल रहा मैप के थ्रू इसकी लोकेशन। चलिए बढ़ते हैं जरा समझते हैं आगे और क्या नेक्स्ट न्यूज है। तेलंगाना पुलिस हैज लॉन्च दी मोबाइल बेस्ड मैसेंजर एप्लीकेशन कॉप कनेक्ट। तेलंगाना पुलिस ने मोबाइल आधारित मैसेंजर एप्लीकेशन कॉप कनेक्ट लॉन्च किया। अगर देखिए मैं न्यूज की बात करूं एग्जामिनेशन की, तो सिर्फ इतना आएगा कि किस स्टेट के द्वारा एक कॉप कनेक्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो वो तेलंगाना, बात यहीं पर खत्म हो जाती है। बट अगर तेलंगाना के स्टैटिक फैक्ट हमें याद करने हैं तो अलग से याद करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, और वो टाइम आपके पास होता है 2 दिन का एग्जामिनेशन से पहले। इसलिए मैं चीजों को पैरेलली कनेक्ट कराता चलूंगा। अभी न्यूज भी डिस्कस करेंगे बट उसके अलावा तेलंगाना के स्टैटिक फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले तेलंगाना रिलेटेड जितना आपको याद है प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि और भी भाई जितने बंधु देख रहे हैं उनके भी क्लियर हो जाएगा तेलंगाना के स्टैटिक फैक्ट। आते हैं न्यूज को समझते हैं। टेक्निकल टीम भाई मिस्टर इंडिया बनाया जाए, बना दो, सुन लो, सुन ली। तेलंगाना पुलिस हैज लॉन्च दी मोबाइल बेस्ड मैसेंजर एप्लीकेशन डेडिकेटेड टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू ओवर 60,000 पुलिस ऑफिसर्स अक्रॉस द स्टेट। राज्य में जो 60,000 पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको सही समय पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भाई एक मोबाइल बेस्ड मैसेंजर एप्लीकेशन लॉन्च की है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो व्हाट्सएप होता है उसमें ग्रुप वगैरह क्रिएट करते हैं, मैक्सिमम एक ग्रुप में जितने पर्सन आ सकते हैं वो 256 की लिमिट दे रखी है व्हाट्सएप में। बट गाइज अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर मैसेंजर एप्लीकेशन की, तो इसके अंतर्गत कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, कितने भी पर्सन यहां पर इंक्लूड किए जा सकते हैं, इसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं रियल टाइम में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ये कॉप कनेक्ट नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है।
कॉप कनेक्ट मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च बाय दी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो डीजीपी हैं एम महेंद्र रेड्डी। जितने दोस्त मेरे तेलंगाना की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वहां पूछा सकता है हु इज अ डीजीपी ऑफ द तेलंगाना। सो गाइस आंसर इज एम महेंद्र रेड्डी इज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द तेलंगाना। डीजीपी मतलब होता है जो पुलिस में जो सबसे हाईएस्ट रैंक का पर्सन होता है स्टेट में, उसको हम डीजीपी का नाम देते हैं। तो डीजीपी कौन है तेलंगाना के? एम महेंद्र रेड्डी। द ऐप हैज बीन डेवलप्ड बेस्ड ऑन द पुलिस इंटरनेट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी विच विल इनेबल द एंटायर वर्कफोर्स टू प्रोएक्टिवली एंगेज एंड पास रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सेकंड्स। कुछ नहीं बातें कर रहे हैं, मतलब की बात नहीं है। एप्लीकेशन लॉन्च की गई है कॉप कनेक्ट किसके द्वारा? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। इसके अलावा किसी बात पर ज्यादा आपको फोकस नहीं करना। बढ़ते जरा समझते हैं तेलंगाना के स्टैटिक फैक्ट। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि इसने अपना फोर्थ जो फॉर्मेशन डे है वो सेलिब्रेट किया है, और वो 2 जून को ही सेलिब्रेट किया गया। तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था 2 जून 2014 को, आंध्र प्रदेश से बिल्कुल अलग हो गया। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल ऑफ तेलंगाना इज दी हैदराबाद। अभी ये 10 साल से ज्यादा के लिए नहीं बात करेंगे, वहां लिखा हुआ नॉट मोर देन 10 ईयर्स। हैदराबाद और जो हैदराबाद है वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश की जॉइंट कैपिटल रहेगी। बट अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की कैपिटल की, तो गाइज वहां पर काम चल रहा है। अगर मेरे भाई बंधुओं को पता हो तो प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इन फ्यूचर जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनने जा रही है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनने जा रही है इन फ्यूचर। बट नॉट मोर देन 10 ईयर्स, इट मीन्स कि मैक्सिमम 10 ईयर के लिए हो सकता है कि यही कैपिटल रहे, जब तक वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो रही है। बात करते हैं आगे और स्टैटिक फैक्ट की। के चंद्रशेखर राव इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द तेलंगाना एंड गवर्नर ऑफ तेलंगाना इज द ईएसएल नरसिम्हन। मुद्दे की बात समझना, फॉर्मेशन ईयर है 2 जून 2014, कैपिटल है हैदराबाद, एंड के चंद्रशेखर राव इज द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ तेलंगाना इज द ईएसएल नरसिम्हन। ईएसएल नरसिम्हन इज अ गवर्नर ऑफ द, देखा अमरावती अमरावती अमरावती, तो भाई अमरावती जो है अभी इन फ्यूचर आंध्र प्रदेश की कैपिटल बन जाएगी, पर जब तक नहीं बन रही तब तक भाई हैदराबाद ही ज्वाइंट कैपिटल के रूप में कार्य करेगी तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के। अब मेरा क्वेश्चन एक और है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जरा प्लीज ये बता दो किस नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद। एग्जामिनेशन में रिवर बैंक पूछा जाता है, ये पूछा था किस नदी के तट पर ये सिटी लोकेटेड है, तो प्लीज जरा मुझे बताइए कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें गाइस, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 31 तेलंगाना में, एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ तेलंगाना इज दी हैदराबाद जो कि कैपिटल भी है तेलंगाना की। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तेलंगाना इज दी तेलुगु एंड उर्दू। तेलुगु थी रिसेंटली, उर्दू भी अडॉप्ट की गई है तेलंगाना के द्वारा, तो याद रखना है तेलुगु एंड उर्दू इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दी तेलंगाना। टोटल लोकसभा सीटों की संख्या की बात करूं, 17 लोकसभा सीट है, एंड राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करते तो वह 7 है। यहां पर जो आंसर आ रहा है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गाइस याद रखना है हैदराबाद डैश करके मूसी रिवर। दोबारा से समझ लेते हैं, फॉर्मेशन ईयर 2014, कैपिटल हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन, टोटल डिस्ट्रिक्ट 31 है, लार्जेस्ट सिटी हैदराबाद है, ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु और उर्दू है, लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करता हूं तो भाई 7 है। बॉर्डर स्टेट जिन जिन राज्यों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के साथ तेलंगाना बॉर्डर शेयर करता है। तो आप मैप के थ्रू लोकेशन भी देख सकते हैं। टेक्निकल टीम जब जरूरत थी तब गायब कर दी, आप दोबारा बुला लिए, चलो वापस गायब करो, देखो फाइनली गायब कर दिया। तेलंगाना की बात कर लेते भाई, तो तेलंगाना देखो आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है छत्तीसगढ़ के। देखो ये वाला पार्ट यहाँ तो दिख रहा है, बट ये एग्जैक्टली पार्ट तेलंगाना का नहीं है उड़ीसा के साथ, ये आंध्र प्रदेश का है, तो यहाँ पर इसे गायब कर दीजिएगा। तेलंगाना उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश है। तो समझना, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के साथ तेलंगाना बॉर्डर शेयर करता है। बढ़ते जरा देखते हैं, कुछ नेशनल पार्क्स की बात करेंगे, कुछ यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे। कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिणा वनश्री नेशनल पार्क, समझना गाइस, कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द तेलंगाना। महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द तेलंगाना। मृगवानी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द तेलंगाना। तो 3 बातें याद रखनी है, कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी, महावीर हरिणा वनस्थली एंड मृगवानी, ये 3 नेशनल पार्क एंड ऑल आर लोकेटेड इन द तेलंगाना। कवाल पखाल मंजीरा, मुझे तो रट गया ये, कवाल पखाल और मंजीरा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सारी की सारी कहां पर लोकेटेड है? तेलंगाना राज्य में लोकेटेड है। आई होप गाइस क्लियर होता चल रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट न्यूज। अनुकृति वास हैज बीन क्राउंड FBB कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2018। अनुकृति वास को FBB
कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2018 के ताज से नवाजा गया है। अब देखिएगा, समझिएगा, यहां से सिर्फ तीन चीजें हमें समझनी है, बात एक याद करनी है बट समझनी यहां से तीन चीजें हैं, और वो समझनी क्या है कि फर्स्ट रनर अप इनके अलावा कौन रहा, मतलब इनके अलावा मतलब ये तो भैया जीती थी, इस टाइटल इनके नाम रहा है, बट फर्स्ट रनर अप कौन रहा, सेकंड रनर अप कौन रहा, और इनके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भाई ये किस स्टेट से हैं, ये सारी चीजें। तो चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं। टेक्निकल टीम जरा स्क्रीन को जूम किया जाए, द हिंदू, आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं, जरा समझते हैं। अनुकृति वार जो कि 19 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट फ्रॉम दी तमिलनाडु, भाई किस स्टेट से है, तमिलनाडु से है, हैज बीन क्राउन्ड FBB एंड कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2018। देखो पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे लो, जरा इधर उधर की बात है ना लिखो कमेंट बॉक्स में, नहीं तो अभी एक आध को मैं ब्लॉक कर दूंगा, समझ रहे हो, ज्यादा खुश ना हुआ करो कि अभी मैं और भी तो बातें डिस्कस कर रहा था, इनका नाम आते ही वैसे तो मन लोगों के चेहरे पे कैसे खुशी आ जाती है। जरा मुद्दे की बात पे आ जाओ, एग्जामिनेशन में एक नंबर का क्वेश्चन है, इधर उधर के चक्कर में निकल जाएगा, ठीक है, तुम्हारे घर पे फोन कर दूंगा तुम्हारी जीमेल आईडी पे अंकल को, ये देखो समझ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, इधर उधर के चक्करों में लगे हुए हैं। अनुकृति बास हैं भाई, क्या जीती हैं, FBB कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2018 का टाइटल। जो मीनाक्षी चौधरी हैं जो 21 वर्ष की हैं, जो हरियाणा से हैं, वो फर्स्ट रनर अप रहीं। आंध्र प्रदेश की जो श्रेय राव हैं, जो आंध्र प्रदेश की श्रेय राव हैं, वो सेकंड रनर अप रहीं थी। तो सारी बातें देखो समझ में आ गई हैं, फर्स्ट प्लेस पे कौन रही, अनुकृति वास, मतलब कि उनके द्वारा जीता गया, फर्स्ट रनर अप, फर्स्ट रनर अप बात करेंगे, प्लेस नहीं यहां पर डिस्कस करेंगे, जीता कौन है, अनुकृति वास, फर्स्ट रनर अप रही है मीनाक्षी चौधरी, और जो सेकंड रनर अप रही है वो श्रेय राव रही है, श्रेय राव फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश, मीनाक्षी चौधरी फ्रॉम दी हरियाणा, एंड अनुकृति वास फ्रॉम दी तमिलनाडु। तो सारी की सारी बातें यहां पर क्लियर हो चुकी है, अगर न्यूज क्लियर है, पसंद आई है, तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, हाँ सर सारी बातें समझ में आ गई, एक एक चीज हमारे बिल्कुल छप चुकी है, क्लियर हो चुके, खुशी का ठिकाना नहीं है, स्माइली 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 बस चलता ही जा रहा है। भाई क्लियर है न्यूज तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, और सेशन पसंद आ रहा है तो बॉस लाइक भी करते चलिएगा। बढ़ते जरा देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक्स हैज बीन लॉन्च एट द गांधीनगर इन गुजरात। मानवतावादी फॉरेंसिक के लिए विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। देखिए है तो सिर्फ वन लाइनर यूज, भले यहां पर शब्द लिखा हुआ वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर, बट फिर भी एक ही क्वेश्चन आएगा कि विश्व का जो फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया फॉर ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक्स वह कहां पर लॉन्च किया गया है। सो गाइज गुजरात के गांधीनगर में इसे लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं, जरा समझते हैं आगे और क्या न्यूज है। वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक was launched at Gandhinagar in Gujarat. It is a joint venture of regional delegation of International Committee of Red Cross. जो International Committee of Red Cross है, जो उसका regional delegation है इंडिया में, भूटान में, नेपाल में, मालदीव्स में, also समझना ये एक पार्ट हो गया। दूसरा गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इन दोनों के द्वारा गाइज इसे jointly डेवलप किया गया है, jointly यहां पर इसे establish किया गया। The launch of center was followed by the International Symposium on Humanitarian Forensics. मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे ही लॉन्च हुआ था, इसके बाद दो दिन की यहां पर एक संगोष्ठी भी रखी गई जिसे हम सिंपोजियम कहते हैं, इंटरनेशनल सिंपोजियम भी रहा था ऑन ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक्स। मुद्दे की बात बताऊं तो इस न्यूज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाइन ये वाला पैराग्राफ है कि जो वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक्स है वो कहां पर लॉन्च किया गया, तो गुजरात के गांधीनगर में। यही पूछा जाएगा कि शहर में या किस राज्य में, तो गांधीनगर शहर रहा, और अगर देश की बात करते तो गाइस अगर हम बात करें स्टेट की, देश की नहीं, अगर स्टेट की बात करते तो वो रहा गुजरात। बढ़ते जरा समझते हैं नेक्स्ट न्यूज। USA हैज अनाउंस टू लीव यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHRC इन शॉर्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसे हम UNHRC के नाम से जानते हैं, को छोड़ने की घोषणा कर दी है। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कह दिया कि हम UNHRC के मेंबर नहीं रहेंगे। 2019 तक UNHRC का मेंबर था ये USA, बट इन्होंने अपने को विड्रॉ कर लिया, कहते हैं कि भाई नहीं, अब हम इसमें ज्यादा दिन काम नहीं कर सकते, सर से ऊपर पानी जा रहा है, ऐसा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। कि भाई मेरे को फोन आया था पर्सनली, कहते हैं कि सर अब हमारे मतलब की बात नहीं है, अब हम इसमें रह नहीं सकते। तो मैंने कहा यार नेक काम में देरी कैसी, चलो छोड़ दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके लिए एक न्यूज मिल जाएगी, बच्चों के लिए एक न्यूज मिल जाएगी। मैंने कहा बहुत जल्दी करो यार, एक न्यूज कल पढ़ा लेंगे। तो फाइनली इन्होंने मेरी बात सुन ली, तो USA ने क्या करा है, लीव कर दिया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। अगर आप देखें USA की, तो रिसेंट बेसिस पर उसका अगर एग्रेशन देखते हैं तो बहुत देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, उसने क्लाइमेट चेंज जो पेरिस एग्रीमेंट रहा उससे विड्रॉ कर लिया। जो एक न्यूक्लियर डील रही ईरान के साथ उससे भी विड्रॉ उसने कर लिया। रिसेंट में अभी आप देखें तो उसने टैरिफ जो इम्पोज किए हैं चाइना के ऊपर, जो एक ट्रेड वॉर चल रहा है, काइंड ऑफ टैक्स की बात करते, काइंड ऑफ ड्यूटी की बात करें, वो इम्पोज करता चल रहा है, अपने यहाँ के डोमेस्टिक जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्हें सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल बात करते हैं अपने देश के लिए, तो भाई वो बेहतर तौर पर कार्य कर रहा है, बट ग्लोबली कहीं ना कहीं, ग्लोबली कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि वो इस टाइम पर
अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा, बट ओवरऑल क्या होता है देखते हैं कि इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है, समझते हैं एग्जैक्टली न्यूज क्या है। यूनाइटेड स्टेट अनाउंस दैट इट वॉज लीविंग द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल विद एम्बेसडर, समझना यूनाइटेड यूएसएज एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन इज द निकी हैली। निकी हैली इज अ यूएसए एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन, ये यूएसए ने अपना प्रतिनिधि बना रखा है यूनाइटेड नेशन में, उनका नाम है निकी हैली एंड शी इज अ 29th एम्बेसडर ऑफ यूएसए टू द यूनाइटेड नेशन। एंड इन्होंने ही कहा कि भाई कि ये कहती है कॉलिंग इट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट वर्थी ऑफ इट्स नेम, जो इसका नाम है ना वो इसके नाम इसको शोभा नहीं देता, ऐसा कहना यहाँ पर इनका। जैसे एक मूवी थी तिरंगा और उसमें एक पुलिस वाले थे और उनका नाम था सत्यवादी दुबे, जहां तक मुझे याद है, और वहां पर वो कहते हैं राजकुमार जी कि भाई सत्यवादी दुबे तुम्हारा नाम तुम्हारी पर्सनैलिटी को शोभा नहीं देता है। तो वही यहां पर कहती है कि कॉलिंग इट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट वर्थी ऑफ इट्स नेम। ठीक है, इसके अलावा जब बढ़ते जरा देखते हैं और क्या बातें हैं। द अनाउंसमेंट केम जस्ट अ डे आफ्टर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चीफ जैद रायद अल हुसैन डिनाउंस मीन्स होता है निंदा करना द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सेपरेटिंग माइग्रेंट चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स हु आर सीकिंग असाइलम आफ्टर क्रॉसिंग द इन टू द कंट्री फ्रॉम द मैक्सिको। ठीक है, समझना मैं आपको बताता हूं, अराउंड 125 लोगों को इन्होंने डिटेन किया है। उन डिटेन करने के बाद क्या है, मतलब डिटेन करने का मतलब ऐसा है कि कुछ लोग थे जैसे इंडिया से, बहुत सारे अराउंड 52 के अराउंड इंडिया से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं और पड़ोसी देशों से भी हैं। उन्होंने क्या किया है कि वहां पर गए हैं और उनके पास कुछ भी लीगल नहीं है, इमिग्रेशन जो रहता है इलीगल इमिग्रेशन रहता है वो हुआ है, तो उस वजह से इन्होंने इनको डिटेन कर लिया है और जो प्रिजन है उसमें डाल रहे हैं। उसकी वजह से उनके परिवार से उन्हें अलग किया जा रहा है, बच्चों से अलग किया जा रहा है, सबसे अलग किया जा रहा है। तो उन्हीं का यहां पर कहना, उसी की निंदा यहां पर इनके द्वारा की गई है, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट के चीफ है जैद रायद अल हुसैन, उन्होंने डिनाउंस किया, निंदा की है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सेपरेटिंग, अलग करना माइग्रेंट चिल्ड्रन, जितने भी माइग्रेंट चिल्ड्रन रहे हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने बच्चों से, उनके बच्चों, उनके परिवार से, उनके जो फैमिली से, उनसे, हु आर सीकिंग असाइलम, जो कि कह सकते हैं कि एक असाइलम मांग रहे हैं। असाइलम मतलब एक तरीके से हम बोले आश्रम, रहने के लिए जगह मांग रहे हैं आफ्टर क्रॉसिंग द कंट्री फ्रॉम द मैक्सिको, मैक्सिको देश को छोड़ने के बाद, मैक्सिको देश से क्रॉस करने के बाद यूएसए में आ गए। यहां बात कर रहे हैं, बेसिकली मैक्सिको की बात नहीं करूंगा, इसमें इंडियंस भी बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उसी की यहां पर कड़ी निंदा की गई है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चीफ जैद रायद अल हुसैन के द्वारा, और उसी के बाद ही हम कह सकते हैं कि इन्होंने विथड्रॉ अपने को कर लिया। आई होप गाइस सरल शब्दों में न्यूज़ पूरी क्लियर हो चुकी होगी। अब जरा समझ लेते हैं यूएनएचआरसी के बारे में। इट इज अ यूनाइटेड नेशन बॉडी हुज मिशन इज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट अराउंड द वर्ल्ड। ये यूनाइटेड नेशन का एक अभिन्न अंग है, एक बिल्कुल कह सकते हैं बॉडी है, जो कि प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट को विश्व भर में। यूएनएचआरसी की टोटल मेंबर्स की बात करें 47 है। यूएनएचआरसी हैज 47 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम स्ट्रेक्ट 3-year टर्म ऑन अ रीजनल ग्रुप बेसिस। मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे यूरोपियन आ जाएं, सारे के सारे एशियन आ जाएं, यहां पर क्या होता है रीजनल ग्रुप के बेसिस, एक रीजनल ग्रुप बना रखे हैं उनके बेसिस पर यहां पर मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है 3 years के लिए, और टोटल जो मेंबर्स हैं वो रहते हैं 47। एक एक चीज बताऊंगा अभी, मेंबर्स कौन से हैं, किसने विड्रॉ कर लिया और कितना टाइम टेनर रहता, वो सारी बात है। तो डिटेल में हम यूएनएचआरसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हेडक्वार्टर की बात करते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनएचआरसी एंड यूएनएचआरसी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2006। यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की जो स्थापना हुई थी वो यूएनजीए ने 2006 में की थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मार्च 2015 को, 2006 को इसकी स्थापना की थी। ये ओवरऑल बातें हैं, इसमें याद रखना आपको इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी, 2006 में। टोटल मेंबर्स की बात करें 47 मेंबर्स हैं। क्या है और बातें, चलिए वो देख लेते हैं। टेक्निकल टीम जरा स्क्रीन को जूम किया जाए, ये देखिए अफ्रीकन स्टेट से आते हैं 13 सीट दी गई हैं, एशिया पैसिफिक स्टेट को दी गई है 13 सीट, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन स्टेट को 8 सीट दी गई है, वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट को दी गई 7 सीट और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट को दी गई है 6 सीट। और मेंबर ऑफ काउंसिल सर्व अ पीरियड फॉर 3 years एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 कंसेक्यूटिव टर्म। मतलब कि 3-3 साल के अगर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को वो अगर कह सकता है कि सर्व करता है, मतलब कि 6 सालों के लिए अपॉइंट हो गया कोई देश, बट वो फिर दोबारा री इलेक्ट नहीं होगा इमीडिएट बेसिस पे। तो यहां पर लिखा है मेंबर ऑफ काउंसिल सर्व फॉर अ period of 3 years and are not eligible for immediate re-election after serving 2 consecutive
टर्म्स, तो बेसिकली कहाँ कहाँ से कितने लोग आते हैं, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो ये डिटेल में पूछा जाता है कि 13 या स्टेट अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो गाइस ये पूछा जाता है कि 13 सीट कहाँ से है, 6 सीट कहाँ से, 8 सीट कहाँ से, 7 सीट कहाँ से आती है, तो ये सारी बातें भी आपको फोकस करते चलना है। ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से कितने देश है, टोटल अगर आप इसे काउंट करोगे तो इसमें 46 है। यूएसए यहाँ पर हुआ करता था बट यूएसए ने अपने को विड्रॉ कर लिया, यूनाइटेड स्टेट वॉज अ मेंबर ड्यूरिंग द 2016-18-19 पीरियड एंड बट लेफ्ट परमानेंटली इन जून 2018, मतलब जून 2018 को ही बात करें तो इसने यूएसए ने अपने को विड्रॉ कर लिया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए इसका टाइम तो 2016 से लेकर 2019 तक, 2016 पूरा, फिर 2016-17, 2017, फिर 2017-18, फिर 2018-19, तो इसने डेढ़ साल का सब किया, डेढ़ साल भी इसके पास बचा हुआ था, उससे पहले ही इसने अपने को यहां पर विड्रॉ कर लिया है। इंडिया अभी इसका पार्ट नहीं है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर आप देखें तो कंट्रीज कौन कौन से, अफ्रीकन स्टेट 13 है, एशियन स्टेट 13 है, यूरोपियन स्टेट हमने देखे थे, अफ्रीकन कितने हैं यहाँ पर 13 है, अफ्रीकन स्टेट, एशिया पैसिफिक स्टेट की बात करें तो वो भी यहाँ पर 13 है, ईस्टर्न यूरोपियन की बात करते हैं तो वाइज आपको क्लियर हो जाएगा 6 सीट है यहाँ पर। और अगर लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन स्टेट की बात करते हैं, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन की, तो ये 8 सीट्स हैं। और वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पर 7 सीट है, बट यहाँ पर काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 7 जो प्लेस है वो यहाँ पर यूएसए के पास थी, एक और सीट बट वो यहाँ से उसने अपने को स्किप कर लिया। तो ओवरऑल ये रही यहाँ पर न्यूज़, आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते जरा देखते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या है। Who has launched National Digital Library of India in New Delhi? किसने नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की है? वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, रामनाथ कोविंद या सुमित्रा महाजन? जरा मेरे को बताइए आंसर क्या है इसका एग्जैक्टली कि किसके द्वारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की गई है नई दिल्ली में। तो आंसर की बात करें, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैज लॉन्च दी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्रकाश जावड़ेकर इज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्टर, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर एंड ही इज अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, वह किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं? मेघालय, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या मिजोरम? So guys, answer of this question is the option of 4. He is a Rajya Sabha MP from the Maharashtra. Next question. In which country Conference on International Decade for Action Water for Sustainable Development 2018-2028 was held? इसके नाम में देखो कितना दर्द झलक रहा है, इतना बड़ा नाम है उसे दिक्कत ही आ जाए। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन का वेन्यू क्या रहा, तो वो गाइज आंसर है ताजिकिस्तान वाज द वेन्यू ऑफ द इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, रोम इटली या पेरिस फ्रांस? सो गाइज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द न्यूयॉर्क सिटी यूएसए इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? देखिए मैं सही बताऊं सल्यूट करूंगा अगर मेरे भाई बंधुओं को ये 5 के 5 ऑप्शन जितने मैंने दिए हैं अगर इनकी देश याद है, किन देशों की राजधानी है और किन देशों की मुद्राएं हैं, अगर ये याद हो जाए तो यार खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि दुशनबे किसकी है, कि ये ताशकंद किसकी, बिश्केक किसकी, एशगबद किसकी, अस्ताना किसकी। अब देखो मैं जरा गैस करता हूं मुझे कितना याद है, उज्बेकिस्तान की बात करता हूं, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, करेंसी सोम। किर्गिस्तान की बात करें जिसे हम किर्गिस्तान भी कहते हैं, किर्गिस्तान की बात करें तो उसकी कैपिटल है बिश्केक, करेंसी सोम। तो उज्बेकिस्तान ताशकंद सोम, किर्गिस्तान बिश्केक सोम। तुर्कमेनिस्तान समझना, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल एशगबद, करेंसी इज मनत, तुर्कमेनिस्तान एशगबद मनत। ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की यहां पर आगे दुशनबे, ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशनबे एंड करेंसी इज सोमोनी। देखो यहां पर ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, एक बचता है और वो क्या है, वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना एंड करेंसी इज दी टेंगे। कितने मेरे भाई बंधुओं को याद है प्लीज जरा मेरे को हैंड रेस करके बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, अगर याद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर ना याद है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा कि याद नहीं है। उज्बेकिस्तान ताशकंद को दोबारा से बता देता हूं, ताजिकिस्तान दसनबे सोमोनी, ताजिकिस्तान दसनबे सोमोनी, उज्बेकिस्तान ताशकंद सोम, किर्गिस्तान बिश्केक सोम, तुर्कमेनिस्तान एशगबद मनत एंड कजाकिस्तान अस्ताना टेंगे। याद है तो बढ़िया, ना है याद तो भैया शाम तक याद कर लेना, कल तक याद कर लेना, ये आपको रटी होनी चाहिए। अगर किसी से आप ये पूछोगे और नहीं बता पाए और आपने बता दिया
सच में यार वो आपका मतलब फैन हो जाएगा, कहेगा अरे आपको कैसे याद है, तो कहना आप कि हमने प्रैक्टिस की इसलिए याद है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसे ये बताना कि हमने प्रैक्टिस की इसलिए हमें याद हो गया, आप भी प्रैक्टिस करिए आपको याद हो जाएगा। तो 4-5 बार पढ़िएगा बिल्कुल याद हो जाएगा। बढ़ते जरा देखते बॉक्स मेथड भी, देखो यहाँ बॉक्स भी है उससे भी याद रख सकते हैं। ताजिकिस्तान दुसुनबे सोमोनी, किर्गिस्तान बिस्केक सोम, उज्बेकिस्तान ताशकंद सोम, तुर्कमेनिस्तान एजगबट मनत और कजाकिस्तान अस्ताना टेंगे। आज आपको पता चला होगा ट्रिपल सी रूल की एग्जैक्टली वैल्यू क्या है। अलग से याद करो कैपिटल, अलग से याद करो करेंसी, इन पांच देशों की याद कभी नहीं रहेगा, ना मुद्रा याद रहेगी ना राजधानी याद रहेंगी। ट्रिपल सी रूल से एक साथ रट्टा मारिए हॉरिजॉन्टल करके, तो भाई बिल्कुल याद रहेंगी। ताजिकिस्तान दुसुनबे सोमोनी, किर्गिस्तान बिस्केक सोम, उज्बेकिस्तान ताशकंद सोम, तुर्कमेनिस्तान एजगबट मनत और कजाकिस्तान अस्ताना टेंगे। आई होप क्लियर होगा, अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना हाँ सर यहां तक तो सारी बातें क्लियर हैं। बढ़ते जरा देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द रोम फिल्म फेस्ट। किसको रोम फिल्म फेस्ट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? डेविड फिंचर, क्रिस्टोफर नॉलन, जेम्स कैमरून, टिम बर्टन या मार्टिन स्कॉर्सेसे। सो गाइस आंसर इज द मार्टिन स्कॉर्सेसे will be conferred with the lifetime achievement award at the Rome Film Fest. Most important mark karega is question ko. Next, who has been appointed as the brand ambassador of Sikkim government? Kisko Sikkim sarkar ke brand ambassador ke roop mein niyukt kiya gaya? Deepika Padukone, Akshay Kumar, Amitabh Bachchan, A.R. Rahman ya Anushka Sharma ya Anushka Virat Kohli kehna zyada uchit rahega. So guys answer is the A.R. Rahman has been appointed as the brand ambassador of the Sikkim government. Next and most important, वॉल्टर बेहर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? वॉल्टर बेहर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, क्रिकेट, हॉकी ही वॉज द क्रिकेटर, फुटबॉल, बैडमिंटन या टेबल टेनिस। सो गाइस आंसर इज दी ही वॉज दी फुटबॉलर, वह एक फुटबॉलर थे और वह फुटबॉल खेल से संबंधित थे। बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाई उबेर एज अ प्रेजिडेंट ऑफ इट्स इंडिया एंड साउथ एशिया ऑपरेशन? उबर द्वारा किसको अपने भारत और दक्षिण एशिया परिचालन के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? पीयूष कुमार, आशीष शर्मा, गरिमा पाठक, ऋतु कुमारी या प्रदीप परमेश्वरन। सो गाइस ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज द राइट आंसर। प्रदीप परमेश्वरन हैज बीन अपॉइंटेड बाय उबेर एज प्रेसिडेंट ऑफ इट्स इंडिया एंड साउथ एशिया ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च द मोबाइल बेस्ड मैसेंजर एप्लीकेशन कॉप कनेक्ट टू प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन टू पुलिस ऑफिसर्स अक्रॉस द स्टेट? किस राज्य पुलिस ने राज्य भर में पुलिस अधिकारियों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए मोबाइल आधारित मैसेंजर एप्लीकेशन कॉप कनेक्ट लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या केरला? सो गाइस आंसर इज दी तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट पुलिस हैज लॉन्च दी मोबाइल बेस्ड मैसेंजर एप्लीकेशन कॉप कनेक्ट टू प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन टू पुलिस ऑफिसर्स अक्रॉस दी स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन दी एफबीबी कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2018 टाइटल? किसने एफबीबी कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब जीता? अनुकृति वास, मीनाक्षी चौधरी, श्रेया राव, कामवारापू या तान्या गुप्ता या श्वेता वर्मा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर वन, अनुकृति वास हैज वॉन दी एफबीबी कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2018 टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इन विच सिटी वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक्स हैज बीन लॉन्च्ड? किस शहर में मानवतावादी फॉरेंसिक के लिए विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र लॉन्च किया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात, गुरुग्राम हरियाणा या जयपुर राजस्थान? सो गाइस आंसर इज दी गांधीनगर गुजरात, मतलब कि गुजरात के गांधीनगर में विश्व का पहला वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक्स बिल्कुल लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? किस राज्य में कवाल वन्यजीव अभ्यारण स्थित है? सिक्किम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या केरल? हरियप गाइस कवाल मंजीरा पखाल, तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड ऑल आर लोकेटेड इन दी तेलंगाना, तेलंगाना राज्य में स्थित है। सो यहां पर जो आंसर बनेगा वो तेलंगाना बनता है। बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज दी भगवान महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क लोकेटेड? किस राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? सो गाइस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी गोवा। इन गोवा महावीर, भगवान महावीर या यूं कहें मोल्लेम नेशनल पार्क इज लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? पी सदाशिवम, सत्यपाल मलिक, ESL नरसिम्हन, कुम्भनम राजशेखरन या गणेशी लाल? इसमें जो दो हैं एंड के 4 नंबर और 5 नंबर, कुम्भनम राजशेखरन और गणेशी लाल, ये न्यूली अपॉइंटेड हैं।
आपके लिए बताना है कि एग्जैक्टली बाकी के फोर ऑप्शन जितने भी दिए हैं वो किन राज्यों के गवर्नर हैं। आंसर डिक्लेयर करूंगा, ईएसएल नरसिम्हन इज अ गवर्नर ऑफ तेलंगाना, बट पी सदाशिवम, सत्यपाल मलिक, कुम्मनम राजशेखरन और गणेशी लाल ये किन राज्यों के गवर्नर है। प्लीज वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर रिप्लाई करिएगा। बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has announced to leave United Nation Human Rights Council? किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद छोड़ने की घोषणा की है? रूस, जर्मनी, यूएसए, भारत और फ्रांस। So guys, answer is the USA has announced to leave the United Nation Human Rights Council. I hope क्लियर होगा अब तक का सेशन, एक एक न्यूज क्लियर रही होगी, एक एक क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज कमेंट में जरूर रिप्लाई करिएगा वीडियो कंप्लीट होने के बाद कि सर एक एक बात क्लियर है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताइए, और जितना इसे शेयर कर सकते अपने फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स, जहां भी गाइज आप जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते उतना शेयर करिए, और गाइज प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। सो गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पर क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट।